हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज कुछ नए टूल्स सिखाएंगे आज आपको इसमें, और हम आज डिज़ाइन बनाने वाले हैं मैट्रिक्स गोल्ड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक डिज़ाइन है, तो ये पेंडन में बनाऊंगा मैट्रिक्स गोल्ड में। तो आप देखेंगे कि मैं इसमें कुछ नए टूल्स यूज़ करूंगा बिना कोई शॉर्टकट के। कोई शॉर्टकट टूल्स यूज़ नहीं करूंगा मैं, सारे में टूल्स मैन्युअली क्लिक करूंगा। तो आप स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली मैंने सॉफ्टवेयर ओपन है मेरा ऑलरेडी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैं आपको पूरा कोई शॉर्ट कमांड यूज़ ना किए बिना उसको बनाऊंगा। तो सिंपली पहले मैं पिक्चर को लेके आ जाता हूँ। तो मेरा पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर लिया, डेस्कटॉप में मेरा पिक्चर रखा है। तो मैं इसको ड्रैग करके इस यहाँ पर रख देता हूँ। तो इसका मुझे अब क्या करना है, मुझे अब इसको साइज देना है। तो पहले मैं इसको साइज दे देता हूँ। इसको मैं एक साइज, मैं इसको डायमंड के अकॉर्डिंग बनाता हूँ। यहाँ पे मुझे 1.3 का डायमंड चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक सर्कल रख के चेक कर लेता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे 1.3 का डायमंड बिठाना है मुझे, मीन्स 1 सेंट। तो इसको मैं ऑफसेट मार के इसके बाहर थोड़ा एक्स्ट्रा मेटल रखना होता है, तो मैं वो रख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मुझे इस सर्कल के अंदर इस इमेज को चाहिए, तो मुझे फिर पेंडेंट का एग्जैक्ट साइज पता चल जाएगा। तो मैं इसको, मैं यहाँ पे मेरा ये गम बॉल चालू है, यहाँ से मेरा गम बॉल चालू है। तो मैं इसको सिर्फ प्रेस करके मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो ये बड़ा होगा और ऑल ओवर बड़ा होगा, स्ट्रेंच नहीं होगा। तो इसको मैं मूव करके यहाँ बिठाता हूँ, चेक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पूरा बैठ गया परफेक्ट। तो मैं इसका अपना मैनुअली साइज चेक कर लेता हूँ, उसका मैनुअली साइज यहाँ से देखते हैं कितना है। 30 mm, मतलब 30 mm के अंदर इसको स्टार्ट करते हैं। तो पेंडेंट तो टॉप में ही है, ठीक ठाक रखा हुआ है। तो मैं इसको मैनुअली अच्छे से बिठा देता हूँ। तो मैनुअली मतलब ये थोड़ा सा मूव है, तो मैं इसको, लेकिन मूव करके नहीं, मेरे को थोड़ा फ्रंट से बनाना, तो मैं शेप थोड़ा अच्छा लेके चलूँगा। तो पहले मैं एक सर्कल ले लेता हूँ 30 mm का। 0 एंटर 30 mm, इसको मैं चेक कर लेता हूँ डायमेंशन से। तो यहाँ पे डायमीटर दिख जाएगा आपको 30 mm का, देख सकते हैं यहाँ पे 30 mm का ये सर्कल है। तो मैं इस सर्कल के अंदर इसको बिठा देता हूँ इमेज को। थोड़ा सा हल्का बड़ा करते हैं, देख सकते हैं परफेक्ट बैठ गया। हल्का सा और बड़ा, ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ परफेक्ट है। अब ये इमेज ना बहुत ज़्यादा मूव करेगा, तो इसलिए मैं इसको रेंडर का वाइट कलर दे के लॉक कर देता हूँ, ताकि ये मूव ना करे। ये लॉक हो गया है। तब इसको स्केच करते हैं। सबसे पहले आपको ये फर्स्ट आपको ये सर्कल जो लिया था मैंने, इसको आपको एक कॉपी ले लेना है। मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया और यहीं पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ ये पेस्ट हो गया, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, या फिर आप कलर हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके मैं वापस लेके आता हूँ। तो इसको मैंने रेड कलर में हाइड कर दिया। तो अब मैं इसका सिंपली ऑफसेट करता हूँ। तो ऑप्शन में यहाँ से मुझे ऑप्शन मिल जाएगा, कंटेक्स्ट मेन्यू में ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। आप बना कर ऑप्शन यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। इस साइड आप थोड़ा आएंगे तो आपको यहाँ भी ऑप्शन दिखेगा। तो मैं नॉर्मली ऑप्शन ले लेता हूँ। तो देख सकते हैं इसमें थोड़ा न्यू लुक है। तो इसका अंदर मुझे ऑप्शन लेना है, तो मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ। तो मुझे कितना ऑप्शन चाहिए, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से एक कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ। जैसे मेरा डायमंड है 1.3 का, प्लस जो बाहर सर्कल के जो बाहर ऑफसेट रहता है वो 0.15 रहेगा। तो मीन्स 0.15 दोनों साइड चाहिए, तो मीन्स प्लस 0.15 दोनों साइड का ये हो गया 1.6। टोटल हमें 1.6 का ऑफसेट चाहिए, मीन्स
अगर यहाँ पे आपका सर्कल बैठेगा तो 0.15 इधर 0.15 इधर, इसलिए मैंने 0.15 दो बार यूज़ किया। तो यहाँ से मैं ऑफसेट कर देता हूँ, तो यहाँ से कितना -1.6 एंटर, तो ये सर्कल आ गया। तो फिर हमें अब इधर का भी ऑफसेट लेना है, कितना ही ऑफसेट है तो मैनुअली हम लेंथ माप लेते हैं। लेंथ आपको एनालाइज में मिल जाएगा। लेंथ के लिए आपको सबसे पहले लाइन लेना होगा, तो मैं इंटर कर्व लेता हूँ, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ 2.7 ठीक है, तो 2. कैंसिल कर देता हूँ इस कमांड को, यहाँ से ऑफसेट, फिर एक बार ऑफसेट लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ऑफसेट है, यहाँ से अगर ऑफसेट लेंगे तो आपको मैनुअली यहाँ पे ये ऑफसेट शो करेगा। तो हमने कितना मेजरमेंट लिया था 2.5 लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये आउटर से बाहर जा रहा है। मैम कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से ऑफसेट कर लीजिए इसको। ऑफसेट करने की वजह से ये ख़राब है, तो इन्होंने ये मैनुअली बनाया है। तो आप थोड़ा सा इसको स्केल करके बड़ा कर दीजिए और इसके अंदर बिठा दीजिए। ये भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब सब कुछ शॉर्टकट से ही हो, तो थोड़ा सा हल्का छोटा होगा। तो मैं थोड़ा इसको एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, आप भी कर लेना एडजस्टमेंट। ऐसे एडजस्टमेंट ज़रूरी है क्योंकि आपको हर चीज़ में शॉर्टकट नहीं मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, मैनुअली इसको ठीक करते हैं, थोड़ा सा ठीक तो करना पड़ेगा। तो ये हो गया हिसाब से। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने इधर का जो डायमंड का, मैंने इनका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। इसका कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो जो मैंने ये वाला ऑफसेट दिया था, तो इस वाले सेम ऑफसेट हम यहाँ दे के चलेंगे कंटिन्यू, ये तीनों सेम साइज की रखेंगे हम। तो सिंपली हमने यहाँ पर जो ऑफसेट रखा था, हमने रखा था 1.6, तो यहाँ पर हम 1.6, यहाँ पे हम 1.6 लिख के एंटर करते हैं, यहाँ पे ये आ गया। फिर अब हमें इसके अंदर वाला सर्कल बनाना है, तो सिंपली हम इसका फिर एक ऑफसेट लेते हैं। मैनुअली आपको बना लेना है, तो 2.5 ऑफसेट, थोड़ा सा स्केल, लेकिन आपको मेजरमेंट के साथ ही चलना है क्योंकि अगर मेजरमेंट आप गलत करोगे तो बाद में आपको दिक्कत होगी। तरीका वही रहना चाहिए लेकिन मेजरमेंट में गलती नहीं करना है। तो मैं इसको ऑफसेट कर लेता हूँ, वही ऑफसेट करते हैं जो हमने बाकियों में किया था 1.6। तो ये हो गया है, यहाँ देख सकते हैं थोड़ा बहुत तो वो है, इशू है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये इमेज थोड़ा पोर्ट्रेट में रखा हुआ है, इस वजह से ये दिक्कत कर रहा है, ये इशू फेस हो रहा है। ऐसे हम मैनुअली ठीक करके बना लेना, मैं इसे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखे। तो मैं इमेज हाइड करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये ऐसा बन गया है। तो मैं बोलता हूँ अब इसको मैनुअली हमें ड्रॉ करना है, तो इसमें से कोई भी पार्ट सेम नहीं है, आपको सारे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बाद में एक एक करके देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ से फ्री फॉर्म कर्व ले लेता हूँ, लेने के बाद यहाँ से आप चाहे तो आर्क भी बना सकते हैं, यहाँ पे आर्क का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये आर्क मिलेगा आपको, डायरेक्शन आर्क, आप यहाँ से ये मैनुअली भी ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं दिखाने, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये आपको यहाँ पे एंड में आके ये दिक्कत करता है यहाँ पे, फिर आपको यहाँ से मैनुअली ठीक करना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप नॉर्मली यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कर ले, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आर्क से 10 सेकंड या 5 सेकंड का ही फ़र्क होगा। देखिए बन गया, तो आप यहाँ पे इसको फिनिश कर दीजिए, यहाँ पे आपको रोक देना है इसको क्योंकि हमें इसके ऊपर डोम देना है। तो इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, इसमें मैं पॉइंट ला के ठीक कर लेता हूँ इसको, आपको भी ठीक कर लेना है। थोड़ा कर में अगर मैं इमेज हाइड करके मैनुअली
ठीक कर लेता हूँ। यहाँ से थोड़ा ठीक हो गया है, तो इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको ये सारे ऐसे ही ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो ये मैं स्पीड में प्ले करके मैं फटाफट ये बना लेता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम जाएगा, तो आप देखते रहिए। तो ये पूरा बन गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा मैंने रेडी कर दिया। मैंने इमेज हाइड करके मैंने अपने हिसाब से ड्रॉ कर लिया, और देख सकते हैं आप सारे कर्व अलग अलग हैं। तो मैं सारे कर्व को पहले सिलेक्ट करके आपको कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे, और मैं इमेज हाइड रखता हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे पीस को मैंने अलग अलग ड्रॉ किया था। ये देने का रीज़न आपको बाद में पता चल जाएगा मैंने ऐसे इसको अलग अलग क्यों किया, इसके पीछे भी रीज़न है। तो चलिए फिर अब क्या करते हैं, आप यहाँ से सब इमेज में देख सकते हैं कि जो ये मेटल सिर्फ ये येलो गोल्ड के अंदर तक ही है, मतलब इसके बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन जो मैंने ये हमने जो ये कर बनाया है ये बाहर जा रहा है। तो हमें पहले सबसे पहले इनको पहले फिनिशिंग देनी है। तो अभी हम इसको पहले सरफेस बनाते हैं, सरफेस बनाने के बाद फिर इसमें थोड़ा डायमंड वगैरह बिठाएंगे, फिर उसके बाद इस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इमेज हाइड करते हैं। हाइड करने के बाद ये जो हमने ये चीज़ें लिए थी इनको ग्रुप कर देते हैं। आपको ग्रुप यहाँ पर मिल जाएगा, आपको ये डुप्लीकेट है, सॉरी ये ग्रुप है आपका। तो इसको आप ग्रुप करके इसको आप ये अगर आपको सिर्फ इसको हाइड करना है, इमेज को तो हाइड है ही, आपको अगर ये लाइन कर्व को हाइड करना है तो आप यहाँ पर हाइड देख सकते हैं। आप इस हाइड को आप क्लिक कर दीजिए। तो सिंपली इसको क्या करना है, आपको इसको पैच अलग करना है, इसका पैच अलग करना है और इसका पैच अलग करना है। यहाँ पे हम लॉफ्ट की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉफ्ट से क्या होता है कि मेटल के कर्व थोड़े ख़राब हो जाते हैं। तो अगर ये सिंपल गोल है तो हम यहाँ पे सिर्फ पैच करेंगे। तो मैं यहाँ पे पैच कर रहा हूँ, तो हम पैच टूल ले लेते हैं। मैं सरफेस में जाएंगे, सरफेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे पैच मिल जाएगा। ये पैच ये रहा, सॉरी गलत क्लिक हो गया, पैच ये रहा। तो पैच पर क्लिक करेंगे तो ये पैच बन गया। तो आपको ये अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैच जब हम मैं आपको शेड में दिखाता हूँ, देख सकते हैं पैच पूरा इस कर्व बॉर्डर का पैच हो गया है। तो इसलिए मैं इसको खाली स्प्लिट लेके काट देता हूँ, स्प्लिट ये पूरा और सिलेक्ट स्प्लिट हो गया। तो इसको हम डिलीट करते हैं, इसको भी हम डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। तो इसको और इसको इसको स्टेबिंग देते हैं इसमें। तो सबसे फर्स्ट इसको थोड़ा फ्लैट फ्लैट लुक आ रहा है इसमें, थोड़ा बहुत तो स्टेपिंग होता कि ये एक स्टेप ऊपर होता या फिर ये एक स्टेप ऊपर होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता। बाकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कि कोई डिज़ाइन में पूरा फ्लैट है, हम डिज़ाइन इसमें हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि करेंगे क्योंकि डिज़ाइन में ऐसा नहीं है। डिज़ाइन में अगर होता तो दिखता, डिज़ाइन में पूरा फ्लैट है, तो हम फ्लैट ही बनाएंगे, कोई एडिटिंग नहीं करेंगे। तो मैं सिंपली इसमें स्टेप दे देता हूँ। स्टेप देने के लिए सबसे पहले ये इसको तो आप नीचे ही रखना है, आपको इसको ऊपर करना है। इसको आप 1.5 ऊपर मूव कर दीजिए, ये ऊपर मूव हो गया। अब इसको भी आप जब अगर आपने इसका 1.5 इसको मूव किया है तो सिंपली अगर इसको आप 1.5 मूव करेंगे तो इसके लेवल में आएगा। तो आपको इसके भी ऊपर 1.5 चाहिए तो आप यहाँ पर टोटल 3 mm लिख लीजिए। ये कैलकुलेशन है, ये तो आपको पता ही होगा। तो सिंपली स्टेपिंग कुछ ज़्यादा ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा कम कर देते हैं, -1 mm करते हैं। 1 mm बहुत ज़्यादा हो जाएगा, -0.5 कर देते हैं। इसको भी वही करेंगे, एंटर, ठीक है, ये बेस्ट है। तो इसको आपको सॉलिड कर देना है। सिंपली आपको सॉलिड करने के लिए आपको सॉलिड में जाना है। जैसे आप सॉलिड में आएंगे आप एक्सट्रूड सरफेस मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये मेटल की हाइट देना है आपको। तो अगर हमें माइनस में जाना है तो माइनस लिख के करना है आपको। तो मैं
आप देख सकते हैं कि माइनस इसमें ऑलरेडी दिखा रहा है, इसमें कितना ये नीचे मूव हो रहा है, कितना नहीं मूव हो रहा है, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है सॉरी। तो इसमें हम क्लिक करते हैं माइनस, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पे हम हाइट देंगे 1 point, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, इसलिए 1.1 meter। तो ये क्या हो गया कि ऊपर के डायरेक्शन में क्या है, तो हमें नीचे के डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं तब तक क्या लिखा था, माइनस लिखा था, इसलिए हम यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, 1.1 लिखेंगे सिर्फ। तो ये माइनस के डायरेक्शन में आया, तो देख सकते हैं पूरा रेडी है। तो आपको क्या करना है, अब ये तो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं छेड़ना है, यहाँ पे ये कंप्लीट है। तो अब आप यहाँ पे उस इमेज को लेके आइए, इमेज के बाद आप यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं इस वाले को भी लेके आइए, यहाँ से आपको शो करना है, तो मैंने शो कर लिया। तो हम इसको अभी हाइट कर देते हैं, यहाँ से मैं हाइट कर दिया, और हम इसको अलग अलग बनाएंगे। पहले सबसे पहले हमें इसको अलग अलग बनाना है, तो हम इसको ये ग्रुप है अभी, तो मैं इसको ग्रुप करके हाइड किया था, तो इसको मैं पहले अनग्रुप कर देता हूँ। आपके अनग्रुप यहाँ पे दिख जाएगा आपको, अनग्रुप, फिर आपको इन सबों को एक ग्रुप बना के हाइड करना है। इसका रीज़न ये है कि आप देखेंगे इसको ना, जब सेलेक्ट करेंगे तो ये अलग अलग है, तो फिलहाल अभी इसको हम ऐसे ही हाइड कर देते हैं ग्रुप करके, ताकि ये एक साथ ही रहे। तो ग्रुप करके मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा कि ये अब अलग अलग है ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कर्व लेना है, एक लाइन, मतलब इंटरप लाइन लेना है। तो इसको मैं ऐसे लाइन ले लेता हूँ, ये थोड़ा टेढ़ा है, तो इसको मैं सीधे मतलब इसके एकदम इक्वल में लेके आया था, या फिर आप इसको पीछे कर दीजिए, कोई भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें पॉइंट ले आके थोड़ा इसको पीछे कर देता हूँ, ताकि मैं इक्वल रखता हूँ। इससे क्या होगा कि आपका शेप जो बनेगा वो अच्छा बनेगा। तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ। एक लाइन लेने के बाद सिंपल एपेसिटी व्यू में आइए। अब आने के बाद इसमें ये इसमें बहुत सारे शॉर्ट कमांड भी हैं, बट शॉर्ट कमांड में ये इतना क्लियरेंस नहीं आएगा जितना आप मैनुअली बनाओगे। तो हम क्लियरेंस बनाएंगे, इसको थोड़ा अच्छा सा बनाएंगे, तो इसलिए हम नॉर्मली एडिटिंग करेंगे। तो जब इसमें आप पॉइंट लेंगे तो ये आपको देख सकते हैं 4 point आ जाएगा। अगर ये बेसिकली अगर आपके 2 points आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको रिवोल्ट कर देना है। रिवोल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ऐसे करके आप रिवोल्ट कर दीजिए 4 point। अगर आपके नहीं आता है तो जैसे 4 point करेंगे तो इसमें 4 point आ गया। तो जो मिडिल के 2 point है, इसको आपको थोड़ा सा ऊपर डोम देना है, मतलब हल्का, एकदम ही ऐसे डोम नहीं देना है, क्योंकि शेप इसका बड़ा बेकार लग रहा है। थोड़ा मैनुअली शेप ठीक रहे। आप जब इसको दोबारा रिवोल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली परफेक्ट शेप में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं इसको ओके कर दूंगा, तो देखिए शेप परफेक्ट शेप आ गया। तो मैं इसको अब क्या करता, अगर ये देखिए एक, अगर ये पूरा फिक्स होता तो हम इसको स्विफ्ट रोल नहीं कर सकते, क्योंकि स्विफ्ट रोल में 3 sections चाहिए होता है, 1, 2, 3, तो इसलिए नहीं होता। अगर जब हम इसको ज्वाइन कर देते या एक साथ ही बनाते तो सिर्फ 2 sections हुए, इसलिए हम मेरे को अलग बनाने का, ताकि आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको स्विफ्ट रोल करके दिखाता हूँ। आप फर्स्ट सबसे पहले आप सरफेस में जाएंगे, सरफेस में जाने के बाद आपको स्विफ्ट रोल यहीं पर मिल जाएगा। ये देखिए ये जो मैट्रिक्स का स्विफ्ट रोल है, जो हम लोग शुरू से ही सॉफ्टवेयर में यूज़ करता है, वो ये स्विफ्ट रोल है, तो हम ये यूज़ करते हैं। तो देखिए कि ये थोड़ा से परफेक्ट आया है ना, तो इसको आपको ओके कर देना है। तो देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट सेप है। अगर आपको और डोम चाहिए तो और डोम दे सकते हैं आप, यहाँ से इसको पॉइंट ला के आप ऐसे भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ से एडिट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रिकॉर्ड स्टे हमारा चालू नहीं है। तो अगर ये हमारा रिकॉर्ड स्टे अगर चालू रहेगा तो हम इसके ऊपर आप स्विफ्ट रिकॉर्ड स्टे चालू कर लेते हैं। अब अगर हम स्विफ्ट रोल करते हैं, ओके करते हैं, तो अगर इस पॉइंट को अगर आप एडिट करेंगे तो वो उसके साथ भी वो मूव होगा। ये नहीं हुआ बिकॉज ये बंद हो गया दोबारा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस रिकॉर्ड हिस्ट्री में ये चालू करना है आपको, चालू करके अब इसको आप स्विफ्ट रोल करिए, अब तब होगा आपका। देखिए मैं भी गलती करूँगा तो आपको तब भी समझ में आएगा, क्योंकि गलती करके ये पूरा तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। देखिए अब ये रिकॉर्ड हिस्ट्री चालू है, तो हम इसको अगर पॉइंट को इसको अगर हम क्लिक करते हैं ऐसे, तो इसको ऊपर करेंगे तो मैनुअली सारे ही होंगे,
डिफेक्ट नहीं किया। हाँ इतना ये सेप ठीक है। तो इस देखिए जब आप इसको एडिटिंग करेंगे तो इसका सेप खराब रहता है, तो इसलिए आप रिवर्ट कर दीजिए, थोड़ा सेप ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसे करके आपको सारे बना लेने, तो मैं फटाफट बना लेता हूँ। तो ये फाइनली सारा डन हो गया, जो जो सरफेस थे। मैं बाकी सारा सब कुछ लेके आ जाता हूँ। तो मैंने जो हाइड किया था देख सकते हैं कि ये पूरा आ गया है। तो जो इसके सरफेस थे, इसके सरफेस को आपको हाइट देना है। तो मैं इसको भी हाइट कर देता हूँ। मैंने आपको दिखाना था कि देखिए पूरा ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया, थोड़ा काम बाकी है, तो इसको हम हाइट कर देते हैं। अगर आप इसको अब सॉलिड कर लीजिए, इसको सॉलिड करने के लिए आपको सरफेस में जाना है। सरफेस में जाके आपको यहाँ पे सॉरी सरफेस में बोला मैंने आपको सॉलिड में आपको सॉलिड के ऑप्शन मिलेंगे सिर्फ। तो सॉलिड के अंदर आप जाएंगे, सॉलिड में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रूड सरफेस मिलेगा आपको। तो एक्सट्रूड सरफेस आप करेंगे यहाँ पे ज़्यादा करके आप हाइट दे दीजिए। ज़्यादा करके हाइट देने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ फ्रंट व्यू ओपन करना है। यहाँ पे आपको शेडेड व्यू करना है। शेडेड व्यू करके आपको यहाँ से टोटल मेटल का हाइट चेक कर लेना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा मेरा अप डाउन हुआ था डोम, तो इस वजह से ये ऐसा हुआ। तो आपको परफेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ, ये लाइन लिया। ये लाइन लेने का ये मतलब है कि जो ये डोम है इसके पीछे का, ये वाला डोम जो है कि इस मुझे ये डोम नीचे से पूरा फ्लैट चाहिए। तो मैं सिंपली मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, इस ऊपर मैं काट के करूँगा, तो ये नीचे से मुझे पूरा प्लेन मिलेगा। तो सिंपली या फिर आप कर्व नहीं लेना चाहते, आप कर्व मत लीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ से सरफेस लीजिए। आपको यहाँ पर सरफेस में ये प्लेनर मिल जाएगा, आप प्लेनर लेके यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं करके आप कितना नीचे करना है इसको। तो हमने जो प्लेट की हाइट दिया था वो 1.1 दिया था, तो इसका भी हम डोम के नीचे से 1.1 देंगे। तो ये ऊपर चला गया क्योंकि मैंने माइनस नहीं लिखा, तो इसलिए -1.1 हो गया। तो आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, इसको भी सिलेक्ट करना है, इसको सबको आपको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे सॉलिड में जाना है। सॉलिड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बुलियन मिल जाएगा, या फिर आप जो मैट्रिक्स के बुलियन यूज़ करना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा, यहाँ पे आपको वो सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें बुलियन स्प्लिट लेना है। तो ये हमारा स्प्लिट है, तो ये हमें सेलेक्ट करने का, तो आपको जिससे इसको काटना है उसको सेलेक्ट करना है, फिर एंटर। तो हमने डिलीट किया, तो नीचे का ये पोर्शन आ गया, सब को डिलीट कर दीजिए। देख सकते हैं कि पूरा प्लेन हो गया। तो फाइनली ये तो हमारा डन हो गया। अब हम जो हमने हाइट करके रखा था उसको शो कर दीजिए। देखिए ये चीज़ें आ चुकी हैं। जो ये कर्व थे ब्लू कलर के, इनको मैं हाइट कर देता हूँ यहाँ से हाइट, और इसको ऊपर रखते हैं। देखिए ये थोड़ा बुरा लग रहा है, इसको जब हम ठीक करेंगे तो ये अच्छा लगेगा। तो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि आगे का जो स्टेप है, हमें केजीडीट लेना है। आपको केजीडीट क्या करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको एक को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको ट्रांसफॉर्म में केजीडीट मिलेगा। आप ट्रांसफॉर्म में केजीडीट पे क्लिक करेंगे इसके अंदर, तो आपको ये केजीडीट का ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करके वो कमांड लेना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ये कमांड लेता हूँ। लेने के बाद देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आया, इसमें आपको बाउंडिंग बॉक्स सेलेक्ट करना है, फिर वर्ल्ड करना है, फिर आपको यहाँ कुछ छेड़ना नहीं है, एंटर, फिर एक बार एंटर कर देना है। और जो इसमें ये पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को ऐसे सिलेक्ट करके नीचे करना है। तो देख सकते हैं मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आपको ये करना है। आप स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है ये करने में, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारे मुझे एक एक करके ऐसे करके ठीक करना है।
तो आप ऐसे करके ठीक कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि प्रॉपर ठीक हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा एडिट कीजिए। एडिट करने के बाद आप मैनुअली ठीक कीजिए, तो ये ज़्यादा कुछ इस साइड ऐसे उड़ गया, ख़राब लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे डाउन कर देता हूँ। तो आप ये भी कर सकते हैं, मतलब खुद से थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हैं इसमें। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही कीजिए, थोड़ा बहुत जैसा सही लगे, मतलब दिखने में बेटर लगे तो आपको आप कर सकते हैं। तो सिंपली देख लीजिए, मैंने ये कर दिया, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो इसमें आप फिर से पॉइंट लाइए, ये पोर्शन थोड़ा ज़्यादा झुक गया है, इसको उठा दीजिए, इसको थोड़ा डाउन कर दीजिए। देखिए एक तो मैंने बना लिया परफेक्ट, ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। यहाँ थोड़ा सा डाउट है मुझे, यहाँ थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो ये जब हो जाए तो इसको आप कलर अलग दे दीजिए। क्या हो गया कि वो कलर सेम जैसा लग रहा है, आप तो देख सकते हैं कि ये बेटर हो गया है। तो मैं फटाफट ये सारे कर लेता हूँ। तो फाइनली ये बन गया, मैंने इसको क्रिएट कर दिया। आप भी वैसे कर लेना एक एक स्टेप। आप देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा कंप्लीट है। तो आप सोचें कि ये मेटल जो मेरा था एक्स्ट्रा, ये कहाँ से, मतलब इसको क्या रिमूव कैसे करें। तो इसको मैं स्प्लिट, अब इसको मैं निकाल देता हूँ। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आप सबसे इजी तरीका है, आप एक काम कीजिए, इसको सॉलिड है तो आप पहले इसको इसका ना सरफेस निकाल लीजिए, जैसा ये पहले हमने एक्सट्रूड करने से पहले जैसा था। हमें क्या करना है, इसका एक्स्ट्रा सरफेस निकालना है। तो हम सॉलिड में जाएंगे, सॉलिड में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सरफेस दिखेगा, यहाँ पे ये देखिए एक्स्ट्रा सरफेस, इसका आपको एक्स्ट्रा सरफेस निकाल लेना है। निकाल के जो नीचे वाला पोर्शन था उसको डिलीट कर देना है, ये सबसे ईजी तरीका है। आप अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ईजीली जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो हम सबों का एक्स्ट्रा सरफेस निकाल लेते हैं, तो ये नीचे वाला भी सिलेक्ट हो गया, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट। तो इजी तरीका क्या है कि आपको यहाँ पे स्प्लिट टूल लेना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एस दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट एस, यहाँ पे देख सकते हैं स्प्लिट का कमांड खुल गया। तो यहाँ पे आपको आइजो कर्व मिल जाएगा। आप आइजो कर्व में आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ लाइन दिख रही होगी, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तब आपको दिखेगा। ये देखिए दिख रहा है, तो इसको हम अगर टॉम्बल करते हैं तो ये देखिए आ गया ये ऑप्शन। तो इसको यहाँ से क्लिक कीजिए, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए जब यहाँ से क्लिक कर रहे हैं तो ये इधर से भी यहाँ पे भी लाइन आ रहा है, यहाँ पे देखिए आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये पूरा कट जाएगा, ये नहीं करना आपको। तो अब यहाँ पे ये टूल्स यूज़ नहीं होगा। अगर मैंने वैसे टूल बता दिया आपको, अभी कहीं भी अगर यूज़ आए तो आप कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्टकट टूल है, बट यहाँ पे ये काम नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ फिर मैनुअली लाइन लेके ही काटना है। तो यहाँ पे आप ऐसे इसको आप वायर फ्रेम व्यू कर लीजिए, यहाँ पे आपको वायर फ्रेम व्यू मिलेगा। तो आप मैनुअली यहाँ से इसका अंदर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से फटाफट बना लेता हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन दे देता हूँ, मुझे यहाँ यहाँ से काटना है। फटाफट आप भी कर लीजिएगा। तो मेरा सारा हो गया, तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके ये वाला स्प्लिट लेते हैं। लेने के बाद आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको कीजिए, बस का फिर एंटर कर लीजिए। यहाँ आप सेट करेंगे तो आपको, तो आप सीडी व्यू कर लीजिए, करने के बाद इसको आप
डिलीट कर दीजिए एक एक करके। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा हो गया। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये बन के रेडी है। अब इसको आप एक्सट्रूड कर दीजिए जैसा ये पहले था, सॉलिड में जाके एक्स्ट्रा सरफेस एक्सट्रूड सरफेस सॉरी माइनस करने से ये ऊपर जा रहा है, तो माइनस हटा दीजिए 1.1। इसको डिलीट ओके कर लीजिए, देख सकते हैं कि ये पूरा रेडी है। तो बाकी देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली यहाँ तक ये फिनिश हो गया है, तो वैसे अच्छा लग रहा है देखने में। तो कम्प्लीटली ये बन गया है। तो हम इमेज में देखते हैं कि इमेज में और क्या, यहाँ पे एक बीच में एक कॉलेट है और इसमें डायमंड, इसमें हमें डायमंड बिठाना है और ये कॉलेट लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायमंड बिठाते हैं, इमेज हाइड करके डायमंड बिठा देते हैं। डायमंड बिठाने के लिए सबसे पहले डुप्लीकेट निकालना है, तो मैं डुप्लीकेट निकाल देता हूँ। वो आपको कर में मिल जाएगा, कर में आप लास्ट में आएंगे तो ये ऑप्शन है, इसके अंदर आप डुप्लीकेट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर लीजिए, जितने इसके डुप्लीकेट एज हैं मतलब जो एड्स हैं इसके, वो आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, तो देखिए पूरा क्लिक हो गया। तो इसको क्लिक करके आपको यहाँ से ज्वाइन कर देना है, जैसे ज्वाइन करेंगे तो ये परफेक्ट एक कर्व हो गया। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार कर्व पूरे फिक्स नहीं होते हैं, तो आपको इसके लिए इसको ज्वाइन करने के बाद आपको इसको एक बार रिवोल्ड कर लेना है। तो मैं इसको रिवोल्ड कर लेता हूँ, रिवोल्ड आपको टूल्स में मिल जाएगा, टूल्स में आपको यहाँ पे रिवोल्ड है, वैसे यहाँ पे भी शो करता है, बट अगर वो आप सिंगल कर्व में होंगे तब वो शो करेगा, बाकी अगर मल्टीपल कर्व है तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। आप तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट पर रिवोल्ड कर लीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट पर करेंगे तो क्या होता है कि शेप जो इसका शेप है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि हमें इसमें तो कुछ एडिट करना है नहीं। तो इसको मैं सिंपली 50 कर देता हूँ, करके इसको रिवोल्ड कर देता हूँ। करने के बाद आपको क्या करना है, इनके बीच में कर्व लेना, ताकि इसके बीच में एक्यूरेट डायमंड बैठे। इसलिए मैं इसका डुप्लीकेट एज निकाल लेता हूँ, सॉरी डुप्लीकेट इसका मतलब मीन कर्व निकाल लेता हूँ, जो ट्विन कर्व, इनकी लैंग्वेज में ट्विन कर्व बोलते हैं, जैसे राइनो 5 या 4 में ट्विन कर्व, उसमें मीन कर्व बोलते हैं, इसमें ट्विन कर्व बोलते हैं। तो आपको वो कर्व के अंदर ही मिलेगा, कर्व के अंदर आपको यहाँ पे ये फ्रॉम टू व्यूज के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्विन कर्व मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ट्विन कर्व आ गया। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे मल्टीपल कर्व आते होते हैं, तो आप यहाँ पे नंबर 1 कर देना इसको, तो आपको सिर्फ सिंगल कर्व देगा। तो मेरा ये कर्व आ गया, तो मैं इनके भी वैसे ही कर लेता हूँ। तो ये मैंने इनके मीन कर्व निकाल लिए, तो इनको भी मैं एक बार रिवोल्ड कर लेता हूँ टूल्स में जाके। तो अब अगर मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ, सिंगल कर्व में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको देखो रिवोल्ड यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे रिवोल्ड है। अगर मैं मल्टीपल करता हूँ तो नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको रिवोल्ड सरफेस मिल रहा है, कर्व नहीं मिलेगा आपको। तो आप रिवोल्ड टूल्स में जाके आप यहाँ से रिवोल्ड कर लीजिएगा इसको, ओके कर दीजिए। रिवोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे हमें डायमंड उठाना है, तो सिंपली आप कर्व को सिलेक्ट कीजिए और जेम ऑन कर्व पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप यहाँ से भी जेम ऑन कर्व ले सकते हैं, यहाँ पे भी है, तो मैं सिंपली यहाँ से ले लेता हूँ। तो जो शुरू में कर्व थोड़े डायमंड ना ऐसे कर्व के हिसाब से आएंगे, तो आपको इसको डायरेक्शन देना है। तो पहले मैं इसको बिठा लेता हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं इसको डायरेक्शन दे के ठीक कर लूँगा। तो इसको मैं यहाँ तक मैंने इसको कर दिया, इसको भी मैं थोड़ा यहाँ तक कर देता हूँ करके, फिर डायमंड का भी साइज देना है। तो मैं डायमंड का साइज़ यहाँ पे डायमंड पर क्लिक करता हूँ, करके थोड़ा इसको नीचे करूँगा, तो यहाँ पे डायमंड साइज आएगा 1 mm का डायमंड। जब तक इसको मैं फ्लिप नहीं करूँगा तो समझ में नहीं आएगा, इसको मैं क्लोज करता हूँ अभी। जब तक मैं इसको फ्लिप नहीं करूँगा आपको समझ में नहीं आएगा कि डायमंड में कितना गैप आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा उसको डाउन करता हूँ। करने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे ओरिएंटल मेथड लिखा है, इस पर आप वाई कर दीजिए, इसको वाई में नहीं हो रहा है तो डाउन कर दीजिए। ये देखिए डाउन में ही आ गया, तो
डाउन में करने से क्या होता है कि अगर डायमंड अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि आपका जो ये डायमंड प्लेट है कभी थोड़ा रोटेट होता है या थोड़ा कर्व में होता है, तो आपको तब ये चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तब इसके लिए आपको यहाँ पे टारगेट देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ टारगेट कहाँ है, ये टारगेट है, इसको आप सिलेक्ट करिए, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट टारगेट ऑब्जेक्ट, तो इसको सिलेक्ट कर देंगे तो ये परफेक्ट इसके ऊपर बैठ जाएगा। वैसे ही मेरा प्लेन है इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं हुआ, वैसे कहीं दिक्कत हो तो आप यहाँ से टारगेट ले सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करके यहाँ पे बिठा देता हूँ और इधर से भी थोड़ा सेट कर देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा गलती है कि यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा आ रहा है, तो इस साइज में थोड़ा ज़्यादा छोटा लिया है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। 1.2 के हिसाब से मैंने प्लेट बनाया था, तो मैं इसको 1.2 के हिसाब से मैनेज कर देता हूँ। देख सकते हैं ये आ गया आप, लेकिन इसके बीच में जो स्पेसिंग है डायमंड की वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्पेस, थोड़ा आप नीचे करेंगे, इसको मैं नीचे करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिंग लिखा हुआ है, तो आपको जितना स्पेसिंग देना है उतना आप देख सकते हैं। तो मैंने 0.15 कर दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी आप प्रॉन्ग बैठेंगे तो प्रॉन्ग क्या हुआ इससे टच हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा उसको बाहर की तरफ निकाल कर रखें और थोड़ा कर दीजिए, क्योंकि प्रॉन्ग थोड़ा बड़ा होगा तो टच कर भी सकते हैं, तो इसको बाद में भी आप एडिट भी कर सकते हैं, इसमें ये फीचर्स बहुत अच्छा है। तो ये मैंने कर दिया इसमें, तो ये देखिए परफेक्ट हो गया। उसके बाद आपको एंटर कर देना है या स्पेस भी दबा सकते हैं, तो देख सकते हैं परफेक्ट बैठ गया। तो सिंपली तो मैं इसमें अब प्रॉम बिठाता हूँ, आपको प्रॉम बिठा के भी दिखा देता हूँ। तो आप सिंपली इस पर राइट क्लिक कीजिए, जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो आपको जो माउस का पॉपअप बटन है उसको प्रेस कीजिए, जो स्क्रॉल बटन है उसको प्रॉप कीजिए, तो क्लिक कीजिए, करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉम्स दिख जाएंगे। तो वैसे प्रॉम्स को क्लिक करेंगे तो ये प्रॉम मैनुअली उसके हिसाब से बैठ जाएगा, तो प्रॉम को भी आप यहीं से मैनेज करेंगे। तो आप प्रॉम को यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपको क्या साइज चाहिए, कितना डीप चाहिए, आप यहाँ से प्रॉम की आप हाइट दे दीजिए यहाँ पे, तो मैं 0.7 दे देता हूँ, 0.7 ज़्यादा हो गया, तो मैं थोड़ा 0.6 दे देता हूँ। देने के बाद फिर आपको यहाँ पे डोम इसका ठीक है, डोम मतलब जो इसका ये गोलाई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो गोल है इसका ऊपर का फ्लैट है वो चीज़, टेपरनेस कस के टेपर मुझे जीरो ही रखना है, मुझे टेपर नहीं रखना है। तो जो बॉटम है, बॉटम मतलब जो प्लेट, मतलब प्लेट के नीचे जो जाएगा, तो आपको कम से कम 0.2 अंदर रखना है इसके। रखने के बाद आप यहाँ पे प्रॉम के डायमीटर मतलब जो प्रॉम का साइज है आप यहाँ से साइज दे सकते हैं। मैं यहाँ पे साइज दे देता हूँ ये डायमीटर से, थोड़ा साइज बड़ा करते हैं, इसके बीच में थोड़ा गैप लाते हैं, अब गैप आपको यहाँ से मिल जाएगा नर्ज में, अब यहाँ से गैप मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने मैनेज कर दिया, तो परफेक्ट है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो देख सकते हैं कि परफेक्ट हो गया मेरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड में थोड़ा ख़राब आया, इसको आपको ठीक करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, यहाँ से आपको यहाँ पे एंड मिलेगा, आपको यहाँ पे एंड में क्लिक कर देना है, यहाँ पे यहाँ से आप एंड ठीक कर सकते हैं। आप एंड के बीच में गैप ये आपको इस मतलब यहाँ के जो दो एंड है दोनों एंड में अलग अलग वर्क करता है, जैसे मैं जो ये एंड मूव कर रहा था वो इस साइड हो रहा था, देख सकते हैं कि वो इस साइड मूव हो रहा था। आप थोड़ा नीचे करेंगे तो ये चीज़ अभी देख सकते हैं, ये इस साइड वाला मूव हो रहा है, ये दोनों साइड पे अलग अलग होते हैं, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इधर का अगर कर रहे तो उस साइड का नहीं हो रहा होगा। तो ये इधर मैंने कर दिया, इस साइड भी आपको देखिए ये मैनेज हो गया, क्योंकि ये मैंने मैनुअली यहाँ से जो स्प्रेड किया था इस चक्कर में यहाँ से हुआ था, इसलिए पूरा आप मैनुअली कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपको इधर भी मैनेज करना है तो आप कर सकते हैं, इधर भी अगर आपको करना है तो इधर भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये मेरा सिंपली ये हो गया, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। जैसे अगर ये आपको लगता है कि ज़्यादा हो गया तो आप इसको दोबारा एडिट भी कर सकते हैं, आप माउस को फिर जो स्क्वायर उसको आप होल्ड कीजिए फिर एडिट कर दीजिए, आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं इसमें, कि आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अंदर चला गया तो आप यहाँ से
बॉटम कम कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा ये प्रॉपर परफेक्ट हो गया। तो सिंपली इसको भी मैं वैसे ही स्पीड में कर लेता हूँ, आपने तो ये समझ गया, बाकी सब ऐसे ही होगा तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो ये कंप्लीट मेरा ये हो गया, आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट है। लेकिन एक दिक्कत इसमें ये है कि इसमें होल नहीं है, इसमें होल होता है जो डायमंड डायमंड अगर मैं हाइड करता हूँ, अब यहाँ से मैं हाइड करके दिखा रहा हूँ, जैसे अगर मैं तो यहाँ पे होल नहीं है, यहाँ पे आपको होल करना है। तो मैं कंट्रोल सेट कर लेता हूँ तो शो हो जाएगा, तो नॉर्मली यहाँ से शो भी क्लिक कर सकते थे। यहाँ से डायमंड को सिलेक्ट करके अब जेम कटर पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। तो आप यहाँ से इसको और आपको कुछ प्लेसमेंट में थोड़ा प्लेसमेंट इसको ऊपर रखता हूँ, बस मेरे को कुछ एडिट नहीं करना है, बस इतना ही करना था ताकि थोड़ा बहुत परफेक्ट आए। देखिए अब यहाँ से इसको मैं होल अगर करूँगा तो परफेक्ट आएगा। तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बुलेन होल करने के लिए यहाँ सॉलिड में जाना है। सॉलिड में जाने के बाद आपको यहाँ पे बुलेन मिल जाएगा और आपको यहाँ पे बुलेन डिफरेंस, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा। फिर आपको मेटल सेलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको एंटर कर देना है। तो ओके कर लीजिए, इसको व्हाइट कलर कब देखेंगे, इसको व्हाइट कर देगा होल परफेक्ट है एकदम। मैंने जो इसका थोड़ा सा अप किया था उसके लिए ये था कि एकदम ये थोड़ा सा अप होके हुआ, वरना एकदम बिल्कुल एडजस्ट से कट गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा अप किया था। तो इसको वापस आता हूँ, सारे सब कुछ मैं सेम जैसे इसमें भी कर लेता हूँ। तो आपको वो चीज़ बार बार करना पड़ेगा, प्लेसमेंट आपको बार बार ऊपर करना पड़ेगा। फिर आप इसको एंटर कीजिए करके सिंपली, फिर आप बुलेन लीजिए डिफरेंस, इसको काट दीजिए, ओके कर दीजिए। सेम ये भी आपको वही करना है, आपको फिर जेम कटर लेना है, प्लेसमेंट ऊपर करना है, फिर एंटर, फिर यहाँ से बुलेन डिफरेंस लेना है आपको, ओके। तो अब इसको आप हाइट भी कर सकते हैं, हाइट नहीं, हाइट करके मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हाइट करके ये पूरा परफेक्ट होल हो गया है, तो लुकिंग वैसे अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के व्यू मिल जाएंगे, देखिए ये लुक में ज़्यादा मस्त है, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसको मैं हाइट करता हूँ, वैसे आपका अगर सारे ऑल कलर करना हाइट करना है तो आप यहाँ से डायमंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो ये कलर का डायमंड है इसको आप यहाँ से भी हाइट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बन गया, कि यहाँ थोड़ा ये बेकार लग रहा है, क्योंकि जितना हमें पता है कि इसकी जो इमेज में ये चीज़ नहीं थी, तो इमेज में शो करके देखता हूँ यहाँ पे एक क्वालिटी है। तो बस लास्ट हम ये बना लेते हैं, तो मैं इमेज को हाइट कर देता हूँ करके, टॉप भी ओपन कर लेता हूँ करके, जो यहाँ पे क्वालिटी है उसको लाते हैं, लाने का एक डायमंड लेते हैं जेम से, यहाँ से जेम में ले लेंगे। फिर आपको डायमंड को बैठाना है और थोड़ा डायमंड को छोटा कर लेना है, जूम कीजिए, सब मैनेज करके अपने हिसाब से बिठा लेंगे इसको, छोटा होगा। तो मैं डायमंड मेरा आ गया यहाँ पे, इमेज को मैं हाइड करता हूँ। डायमंड आया था क्योंकि वो हाइड इसलिए हो गया क्योंकि एक डायमंड हमने हाइड कर रखे हैं, तो वो सिक्स सेम कलर का आया था इसलिए वो भी हाइड हो गया। तो उसको अगर आप शो करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मैं इसको सिंपली अभी कंट्रोलर से लॉक कर देता हूँ और इसको मैं ग्रुप करके हाइड कर देता हूँ। इसको आपको कंट्रोल अनलॉक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट कर दबा देंगे तो अनलॉक हो जाएगा। तो ये अनलॉक हो गया, तो इसके बाद इसका इसके कर्व लेने हैं, मतलब आउटर, क्योंकि हमें कॉलर बनाना है तो कर्व ले लेते हैं।
बेसिकली इसमें कॉलेट बना हुआ मिलता है, लेकिन वो कॉलेट परफेक्ट नहीं आएगा और उसमें मैंने ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे बढ़िया मैनुअली बना लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आपको मैनुअली बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जेम ऑफसेट करवा रहा है, तो उससे आपका ये बाहर का आउटर आ जाएगा। इसको आपको ऑफसेट मारना है, ऑफसेट के लिए आपको कर में जाना है और यहाँ पर ऑफसेट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप पॉइंट वन ऑफसेट बाहर कर दीजिए, पॉइंट वन अब इसको हाइट कर दीजिए, फिर आप इसका अंदर ऑफसेट कीजिए 0.6, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं था 0.6 अंदर हो गया। आप इसको इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको एक्सट्रूड कर दीजिए, यहाँ पे इसका शो नहीं कर रहा क्योंकि ये रेंडर में, तो इसको सेट कर दोगे तो शो कर जाएगा। तो इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, तो सॉरी में आपको एक्सट्रूड मिल जाएगा, एक्सट्रूड इस पर आप क्लिक करेंगे, सॉरी मैंने गलत क्लिक कर दिया, एक्सट्रूड प्लेनर कर पे क्लिक करना था, इस पर आप करके कि आप टोटल हाइट दे दीजिए 1.5। हाइट देने के बाद इसको यहाँ से आपको चैम्बर करना है, आपको सॉलिड में जाएंगे, सॉलिड में जाने के बाद आपको यहाँ पे चैम्बर मिल जाएगा, यहाँ से आप चैम्बर कर दीजिए, इतना चैम्बर कीजिए थोड़ा यहाँ पे मेटल रह जाए। तो मैं 0.25 करता हूँ, सॉरी 0.25 यहाँ पे लिख लेते हैं, 0.25 एंटर एंटर एंटर, तो थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ज़्यादा करते हैं 0.3 परफेक्ट है। तो हमें अभी यहाँ पे इसका प्रॉन्ग बनाना है, प्रॉन्ग बनाने के लिए आप सिंपली एक सर्कल ले लीजिए, यहाँ से एक सर्कल सर्कल आप प्रॉन्ग बनाइए 1 mm का, 1 mm थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप नॉर्मल रखिए 0.9 रखें, इसको आप एक्सट्रूड कर दीजिए, एक्सट्रूड के लिए सॉलिड में आपको एक्सट्रूड, तो आप बोथ साइड कर दीजिए, बोथ साइड नहीं आप यहाँ से नॉर्मली इसका हाइट 3.5 रख दीजिए, 3.5 अगर आपको ज़्यादा हाइट लग रहा है तो आप कम कर सकते हैं 3.2, मैं 3.2 कर दिया। अब इसको आप फ्लैट कर लीजिए, फ्लैट आपको वहीं भी मिल जाएगा जहाँ से आपने चैम्बर किया था, तो मैं फ्लैट के लिए यहाँ पर फ्लैट भी करता हूँ 0.3, फ्लैट हो गया। तो अब इसको टॉप व्यू में जाके अरे पॉलर कर लीजिए, मतलब इसको मल्टीपल कर दीजिए 4, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपको अरे पॉलर मिल जाएगा, तो ये पॉलर आ गया, यहाँ पे सिंपली ये देखिए ये जो अरे पॉलर है ये मैट्रिक्स का अरे पॉलर है, तो ये बेसिकली सेंटर से ही ये अरे होता है, तो आप यहाँ से इसको ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, तो आप मैनुअली जो हम लोग लाइनों में यूज़ करते हैं वो कलर आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर पूछ रहा है, तो हमें कलर का सेंटर चाहिए, तो आप यहाँ से पहले सेंटर चालू कर दीजिए, इसको इनेबल करके सेंटर इसको डिजेबल करके ऑल्ट दबा के थोड़ा इसको इस साइड पास में रखेंगे तो वैसे ऑप्शन है कि आप कितने आइटम चाहिए आपको, 4 3 16 चाहिए, यस एंटर एंटर, तो ये कंप्लीट हो गया, इसको आप ग्रुप कर दीजिए, सॉरी एम ग्रुप है, ये ग्रुप है, ग्रुप कर दीजिए, फिर इसको शो कर दीजिए, देख सकते हैं ये आ गया, इसको ज़रा मैं मैनेज कर लेता हूँ। इसका गम्बॉल चालू करते हैं, इसको रखेंगे साथ में, इसको क्लिक करेंगे, इसको भी क्लिक करके एक साथ ऊपर मूव कर देंगे, देखिए पूरा वीडियो, तो जितना आपको ऊपर रखना है ऊपर रख लीजिए, कंप्लीट। इसमें आप अपना कलर कीजिए, रेंडर कीजिए, या फिर अगर आपको डिजिटल बनाना है तो आप डिजिटल भी बना सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे लेटेस्ट वीडियो आपको अपडेट होती रहेंगी।